नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और बहुत अच्छे हो गए। और अपना खूब खूब ध्यान रखिएगा। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग का सारा मेरा काम हो गया है। मैं नहा धोवा के आ गई हूँ और पूजा वगैरह भी कर लिया है दोस्तों। बस जो छोटे मोटे काम रहते हैं ना, सारे काम हो गए हैं। पानी भरना वगैरह जो भी है, सब पानी भर लिया है। कपड़े भी धो लिए हैं, मतलब सारे काम हो गए हैं। और अब मैं ना जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने और चाय बनाने। तो सबसे पहले मैं चाय बनाऊँगी। तो ब्रेकफास्ट में भी मैं ना सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा बना लेती हूँ कि लंच में भी चल जाएगा, ऐसे ही ज़्यादातर करती हूँ। तो आज भी मतलब सोचा है कि मतलब कभी कभी बना लेती हूँ, कभी कभी नहीं भी बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि रोज़ मतलब ज़्यादा ही बना लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि आज थोड़ा ज़्यादा सब्ज़ी बना लेते हैं। और फिर ना आजकल गर्मियों जैसा थोड़ा मौसम आ गया है, कभी कभी तो इधर बहुत ज़्यादा बारिश भी होने लग रहा है मतलब। और दोस्तों मैं बोल रही थी ना कि देखिए दोस्तों, धोखा ना हमेशा अपने आदमी ही देते हैं। चला कितना भी बने, भरोसा किसी पे भी नहीं कर सकते, इसलिए अपने आदमी ही धोखा दे देते हैं। तो आज मैं ये बात ज़रूर समझ गई हूँ, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ऐसा कुछ। तो मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन ऐसा होता है। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए अपने लोगों से। ज़्यादा किसी पे विश्वास करने का मतलब उतना कुछ ये है नहीं, हमेशा ऐसा ही होता है। तो बस अब चलिए मैं चलती हूँ किचन में, और किचन में चल के अपनी चाय वगैरह की तैयारी करती हूँ और उसके बाद सब्जी की भी तैयारी करती हूँ। तो आज ना ये देखिए दोस्तों, आज बच्चे लोग की फरमाइश पर मैं बना रही हूँ सोया बड़ी की सब्जी। तो बस बच्चे लोग मेरी बेटी को बहुत पसंद है ये सब्जी। तो मैं नहीं बनाती हूँ उतना जल्दी जल्दी तो नहीं बनाती, लेकिन बहुत ही टेस्टी भी लगता है। इधर मैं चाय चढ़ाती हूँ और आलू भी एक तरफ बैठाई हूँ। तो सोयाबड़ी को भी मुझे पानी में मतलब थोड़ा देर के लिए सोप करने के लिए रखती हूँ। गर्म पानी में मतलब रखने से ना थोड़ा सा फूल जाता है अच्छे से और नरम नरम हो जाता है और अच्छा लगता है खाने में। तो मेरी बेटी को बहुत पसंद है, लेकिन बेटा उतना नहीं खाता है, लेकिन खाना चाहिए, सोयाबड़ी अच्छा चीज़ है। तो बस आलू और सोयाबड़ी की मैं सब्जी बनाऊँगी, और इधर मेरा चाय भी देखिए कितना अच्छे से पक रहा है। तो बस आज ना सोयाबड़ी सब्जी मेरी बेटी बोलती है ज़्यादा बना लेना मम्मी। तो ये देखिए गर्म पानी मतलब डाला था, सारा पानी सूख गया है। अभी से मैं धोऊंगी निचोड़ निचोड़ के 3-4 बार करके मैं अच्छे से धो देती हूँ, सारा मतलब पानी निकाल देती हूँ निचोड़ के। उसके बाद मसाले सब वही रहेंगे, बेसिक से जो मसाले रहते हैं ना, जीरा गोलकी धनिया यही सब मसाले रहेंगे, गरम मसाला यही सब मसाले डाल के मैं बनाती हूँ। मेरी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। तो अब मैं इसे ठंडे पानी से धो दे रही हूँ ताकि ठंडा हो जाए अच्छे से। और बस ये देखिए ठंडा पानी में मैं डाल दी हूँ, और थोड़ा ठंडा होगा ना तो हाथ से निचोड़ निचोड़ के सारा इसका पानी निकाल दूँगी और इसे थोड़ा भून लूँगी। तो कितना भी तेल डालने से ना दोस्तों चिपकने ही लगता है, तो हल्का फुल्का चिपक जाता है, ज़्यादा नहीं। और बस ये देखिए मसाले में मैंने पानी डाल के रख दिया है, तो फूल जाएगा तो मसाला जलेगा नहीं, ठीक रहता है ऐसे, इसीलिए मैं मसाले में पानी डाल के रख देती हूँ। और इसके बाद मैंने प्याज निकाल के रखा था, आप लोग देख रहे होंगे, तो बस वो प्याज कट कर लिया है। और प्याज कट करके मैं हल्का भून ले रही हूँ, और भून के मसाले वगैरह जो भी हैं सब डाल दूँगी, अदरक लहसुन का सारा पेस्ट उस्ट। और सोया बड़ी एकदम अच्छे से भून गई है, एकदम गोल्डन कलर का हो गया है, जैसे ब्राउन कलर का, ज़्यादा जलना नहीं चाहिए। और मसाले वगैरह सारे मैंने निकाल उकाल के सारी तैयारी करके रख लिए दोस्तों। और अब बनाने वाली हूँ सोया बड़ी की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। और ये देखिए मसाले वगैरह मैं भून ली हूँ, टमाटर भी डाल दी हूँ, दो टमाटर डाली हूँ। और मसाले जब तक अच्छे से नहीं ना भूनेंगे तब तक अगर डाल दीजिएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं आप, आलू डाल दीजिएगा तो आलू भी साथ साथ भून जाएगा मतलब कि मसाले के साथ। तो बस मैं थोड़ा सा भून जाएगा, उसके बाद मैं डालूँगी आलू भी कट करके, तो डाल दूँगी ना तो अच्छे से मतलब ये भी हो जाएगा। और बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ मैं सोयाबड़ी की सब्ज़ी, तो बस आप लोग भी आ जाइए। और एक आलू भी मैंने डाल दिया, तो आलू डाल के इसे अच्छे से भून ले रही हूँ। और भूनने के बाद उसमें मैं मतलब मसाले भून जाएगा, उसके बाद मैं पानी वगैरह डालूँ।
बस मैं ना आलू वगैरह सब कट कर ली हूँ और उसी में मतलब कि डाल दे रही हूँ, और अब फिर उसके बाद पानी डाल दूंगी। तो ये देखिए सोया बड़ी अच्छे से भून गई है और आलू भी मैंने उसमें डाल के भून रही हूँ। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, और अभी मॉर्निंग में ना ज़्यादा मतलब हड़बड़ रहता है तो जल्दी जल्दी मुझे काम करना रहता है, इसीलिए मतलब कि ये भी जाते हैं, ये भी नाश्ता वगैरह करके जाने के लिए, मतलब नाश्ता इनको सुबह ही चाहिए होता है, जल्दी ही चाहिए होता है। और मैं ज़्यादातर शुरू से ही जल्दी सुबह ही के टाइम नाश्ता जल्दी ही बना देती हूँ, क्योंकि इनको जल्दी खाना रहता है। बच्चे लोग थोड़ा अभी स्कूल वगैरह अभी छुट्टी है ना, तो वो लोग लेट से भी खा लेते हैं, उठते हैं लेट से, तो लेट से ही खाते हैं, लेकिन इनको जल्दी चाहिए होता है क्योंकि ये चले जाते हैं, घर में नहीं रहते हैं, इसीलिए। ये दोस्तों सब कुछ मिला दिया है अच्छे से, अब इसमें सिर्फ पानी में डालूंगी, सब कुछ आलू और बड़ी सब मिल गई है, टमाटर वगैरह, और इसमें पानी डाल के और थोड़ा सा 5 मिनट रखूंगी, फिर उसका सब्जी तैयार हो जाएगा। और धनिया पत्ता खूब सारे डाल दीजिए, एकदम टेस्टी टेस्टी सब्जी तैयार हो गया ये देखिए, और एकदम देखने में भी एकदम अच्छा लग रहा है, और बना भी तो बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत टेस्टी भी लग रहा था दोस्तों। बस आ जाइए, और यहाँ पे ना मैं बहुत सफर कर रही हूँ, तो मीठू मेरा चिल्ला रहा है, और कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा, और प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों पूरा वीडियो देख लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, आप लोग का सपोर्ट और प्यार का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए दोस्तों, आप लोग के सपोर्ट से ही मतलब कि मैं यहाँ तक आई हूँ, तो और भी मतलब आप लोग करिएगा तो सारी मंजिल रुकावट सारे मैं पार कर लूँगी, तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखिए। तो बस उसके बाद मैं ना पराठे बना रही हूँ, तो सबके लिए इकट्ठे ही बना दे रही हूँ, मतलब कि पहले ऐसे तो जो जो खाते हैं ना उन सबके लिए मैं बनाती जाती हूँ, देते जाती हूँ, तो अभी सब कोई घर में है तो इकट्ठे सारे पराठे बना दे रही हूँ। ये देखिए इतना सारा मैंने बना दिया है, और पराठे बनाने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है, फिर तिकोना पहले बनाओ गोल फिर तिकोना करो इस टाइप का। और मेरे घर में ना बच्चे लोग हमेशा पराठा ही अच्छा लगता है, कभी कभी रोटी खाते हैं पराठे ज़्यादा ही खाते हैं, अच्छा लगता है उन लोगों। तो चलिए मतलब कि आप लोग भी आ जाइए, देखिए गर्मा गर्म पराठा बन रहा है और एकदम टेस्टी टेस्टी बन रहा है, तो आप लोग आना तो बनता है दोस्तों। और सोया बड़ी की सब्जी के साथ पराठा खाइए, पूरी खाइए, या चावल भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा। तो चावल भी मैं बनाऊँगी अभी, लेकिन पहले रोटी हम लोग खाते हैं, पहले हम लोग रोटी या पराठे जो भी है हम लोग खाते हैं। मैं तो अपने लिए ना रोटी ही खाऊंगी, ये लोगों के लिए देखिए अपने लिए रोटी मैं बना रही हूँ, इन लोग बच्चे लोग भी है इनके लिए पराठा बना रही हूँ, क्योंकि मुझे रोटी ही ज़्यादा पसंद है, और चावल थोड़ा मोटा चावल भी मैं खा लेती हूँ। देखिए देखिए मेरी सब्जी मैं दिखा देती हूँ, मैं मतलब कि मैं अभी नाश्ता ही निकाल रही थी, तो नाश्ता निकाल दे रही हूँ, आप लोग भी आइए दोस्तों और गर्मा गर्म आगे खाइए और बताइए कैसा टेस्ट है। और बस बहुत टेस्टी था, आप लोग देखेंगे अभी वीडियो में कैसा मतलब दिख रहा था, तो देखिए दोस्तों। बस लंच में मैंने बनाया था दाल चावल और थोड़ा आलू की भुजिया बनाया था, और सब्जी भी रखा हुआ था, तो बच्चे लोग बोले ना मुझे भी दिखाई दे दो, तो बच्चे लोग खाना निकाल रही थी, तो बस उन लोगों को अचार थोड़ा सा मैंने दे दिया है, उन लोग सब्जी नहीं लिए क्योंकि सब्जी उस टाइम उन लोग खा लिए थे ना, तो उन लोगों मन भरा हुआ था, तो फिर दाल चावल और आलू की भुजिया, तो गर्मा गर्म नाश्ता करने को थोड़ी देर के बाद मैंने खाना बनाई थी। और बस आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, एकदम गर्मा गर्म खाना है और टेस्टी टेस्टी। और देखिए आज मैं ना प्लेट अलग तरह से थोड़ा लगाई हूँ, तो मतलब थोड़ा हंसी आप लोग हंसिए कि नहीं, क्योंकि बस मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ थोड़ा सा अच्छे से सजा सजा के आपके लिए, मतलब खाना मतलब रखने के लिए, तो उतना मुझे नहीं आता लेकिन जितना आता है उतना कर लेती हूँ दोस्तों। और अभी शाम का टाइम, नाश्ता
शाम का टाइम हो गया है दोस्तों, तो सारा काम धाम हो गया ख़त्म और मैं आ गई हूँ छत पे। तो आज देखिए ना, मैं दूसरी तरह की इयररिंग पहनी हूँ बाली टाइप का, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा था लेकिन मैंने पहन लिया। कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा ज़रूर। और बस शाम का टाइम है ना, तो बच्चे लोग मतलब किताब वगैरह उन लोग भी उनको मतलब है, वो लोग भी आए मेरे साथ और मैं भी, तो मैं तो शाम को टहलती ही टहलती हूँ। मुझे अच्छा लगता है शाम को टहलना या आंगन में या फिर छत पे। तो अभी गर्मी का दिन है ना, तो ज़्यादातर मैं छत पे ही आ जाती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं भी आती हूँ। और बच्चे लोग भी आ जाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मन लगा रहता है। तो और बस फिर उसके बाद घर जाके फिर खाना पीना पकाना है। तो ये देखिए आ जाइए दोस्तों, मसाला डोसा आया है गर्मा गर्म, और यहाँ का ना फेमस मतलब होटल से आया है यहाँ पे का, मतलब बहुत टेस्टी लगता है ये वाला डोसा। तो पैक करा के लाने से ना थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन खाने में तो वही टेस्ट रहता है। वहाँ पे खाइएगा ना तो थोड़ा अलग टेस्ट रहेगा, यहाँ का अलग। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म मसाला डोसा है। और बच्चे लोग तो शुरू कर दिए हैं, आप लोग भी आइए और शुरू करिए और बताइए कैसा टेस्ट है। तो बस बहुत दिनों के बाद मसाला डोसा खा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को भी एंड करती हूँ। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए दिन के साथ की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे। और आ जाइए मसाला डोसा की पार्टी करते हैं। और बच्चे लोग टूट पड़े हैं, मैं भी खा ले रही हूँ, क्योंकि बच्चे लोग के लिए तो आया, मतलब वो लोग फ़ोन करके मंगाए थे। और बस आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ पार्टी करिए। और आप बोलिए क्या करते हैं। और जाते जाते जय माता दी, राधे राधे, और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।